अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। ये वुडन टेबल था जो हमने रिपेयर किया है, ये डैमेज हो गया था, इसका हमने ये हिस्सा चेंज किया। एक ये वाली प्लाईवुड सेंटर वाली और एक ये ऊपर वाली प्लाईवुड चेंज करने के बाद अभी हम इस पर क्लियर वार्निश कर रहे हैं ताकि इसमें चमक भी आ जाए और शाइनिंग भी आ जाए और ये सेम पहले की तरह हो जाए। ये आप देख सकते हैं इस तरफ ये जो वार्निश मार दी है, इधर ये शाइनिंग आ रही है, ठीक है। और इस तरफ अभी ये वार्निश मारना बाकी है। कल एक कोड हमने किया था, एक कोड करने के बाद फिर इस पे सुबह आके सैंड पेपर मारा, सैंड पेपर मारने के बाद फिर इसको दोबारा वार्निश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्लियर वार्निश है जो हम यूज़ कर रहे हैं, सफरा शाइन वार्निश अलखशा वुड, देख रहे हैं सफरा शाइन वुड वार्निश, ये क्लियर वार्निश है आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये एक और वुडन टेबल है जो डैमेज था, इसको भी साथ साथ रिपेयर कर रहे हैं, इसको भी रिपेयरिंग करने के बाद फिर वार्निश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इस पे वार्निश मारने के बाद इसका कलर जो है सेम पहले जैसी प्लाईवुड के सेम हो गया। ये आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग आ गई है, लेकिन हम इस पे एक कोड और करेंगे। एक कोड एक घंटा बाद ये कोड ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी वार्निश को खींच लेगी लकड़ी, उसके बाद फिर एक कोड और करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं रंगा मार के इसको सीधा कर रहे हैं। अभी ये साइड का जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी कल हमने चेंज किया था, ये प्लाई टूट गई थी तो इसको चेंज किया, अभी इसको भी वार्निश मार रहे हैं। अभी देखिए जैसे जैसे वार्निश होती जाएगी ये ऊपर वाली प्लाईवुड के सेम मिल जाएगा उसके साथ, यानी सेम कलर हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ड्यूटी टाइम। अभी देखें जी ये जो टेबल डैमेज था वो रिपेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको नीचे से रिपेयर किया है, ये नीचे से टूटा हुआ था, ठीक है। तो आज का जॉब हमारा डन हुआ।